किनारा एल्बम को लेके एक किनारे में ये है, दूसरे किनारे पे क्यों जा रहे हो? दे दिया आपने जी। दादा के हाथ में वो खूबसूरत सा एल्बम है, रोशनी की जगमगाहट, कैमरा पर्सन के चमकते हुए लाइट्स, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, चेहरे की मुस्कुराहट, महफिल की आन और शान, दादा आगे उठ के फोटोग्राफ कीजिए, पीछे वाला भड़क रहा है। हमारे दोस्त शरद राय जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार मायापुरी से, और मैंने पहले कहा था कि नाम, हम सबके दोस्त तांबे साहब बहुत पुराने, बार बार आपका वेलकम करता हूँ। अब चाहूंगा दादा के शुभ हाथों से उस रिबन को धीरे से खोल दिया जाए जिसमें परवीन खान जी की जिंदगी कैद है। ये खुलते ही मार्केट में जिस तरह इसकी चहलकदमी होगी, इसका नाम होगा। दादा के हाथ में जो किनारा है वो किनारा हसीन लगता है। अब आप देख सकते हैं सबके खूबसूरत हाथों में खूबसूरत सी प्यारी सी सीढ़ी। अगर बचे तो एक सीढ़ी मुझे भी देना, मेरे हाथ में भी एक, आप भी लेके हंसते हुए रहते हैं। मैं वाकई ऊपर वाले से दुआ करता हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, दिल ही दिल में आप दुआ करें कि ये एल्बम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, लोगों की जबान पे आए इसके गाने, क्योंकि आज शोर शराबे के जो गीत और संगीत है उसमें दादा का संगीत और दादा का गीत बहुत सुकून पहुंचाता है। तो मैं चाहूंगा इस गीत के जरिए लोगों तक सुकून पहुंचे। थैंक्स कहना चाहूंगा बार बार इकरा प्रोडक्शन और हमारे अरुण जी को और हमारे डायरेक्टर साहब को और हमारे परवीन खान जी को, वंस अगेन रवि अल्तमश जावेद भाई और सुरेश वाडकर जी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री दी गई है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोले। सर जानना चाहेंगे आपने ये एल्बम किस तरह से आपने सोची और किस तरह से आप इसका हिस्सा बने, इकरा प्रोडक्शन इसका हिस्सा बने?